नमस्कार, आप देख रहे हैं 7i न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुजिता। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कॉमनवेल्थ गेम की पूर्व चैंपियन भारतीय बैडमिंटन स्टार पारुपल्ली कश्यप ने क्वार्टर फाइनल में लुकास को हराया। कनाडा ओपन BWAF 2 सुपर 100 टूर्नामेंट में लिया प्रवेश। सपना चौधरी ने थामा भाजपा का दामन, दिल्ली भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में ली भाजपा की सदस्यता। भोपाल में बिजली के 3 ट्रांसफार्मर से हजारों का ऑयल चोरी, पुलिस की ढील के चलते चोरों ने दिया घटना को अंजाम। सड़क पर पड़ी मिट्टी के कारण अनियंत्रित हुई बाइक, ट्रक ने पीछे से आकर मारी टक्कर, महिला की मौत। वाराणसी में पीएम मोदी ने की भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत, सदस्यों की संख्या 11 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने का लक्ष्य। और खबरें विस्तार से। कॉमनवेल्थ गेम के पूर्व चैंपियन भारतीय बैडमिंटन स्टार पारुपल्ली कश्यप ने कनाडा ओपन BWAF टूर सुपर 100 टूर्नामेंट में प्रवेश कर लिया है। वहीं सौरभ वर्मा को चीन खिलाड़ी के हाथों हारकर बाहर होना पड़ा। पी कश्यप ने क्वार्टर फाइनल में लुकास क्लेयर बाउट को एक रोमांचक मुकाबले में 12-21, 24-21 और 24-22 पॉइंट से हराया। जानी मानी हरियाणवी डांसर सपना चौधरी भाजपा में शामिल हो गई हैं। रविवार को सपना ने दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। सपना चौधरी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान, भाजपा महासचिव रामलाल और मनोज तिवारी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुई। 6 जुलाई से 11 जुलाई के बीच चलने वाले बीजेपी के सदस्यता अभियान में उन्होंने नंबर 1 पर रखा गया है, यानी दिल्ली में इस अभियान के तहत बीजेपी ज्वाइन करने वाली पहली सदस्य होने का गौरव हासिल होगा। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के दीनदयाल उपाध्याय संकुल कला केंद्र से सदस्यता अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने इस मौके पर नए सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। पीएम मोदी ने रेखा चौहान, हरिराम द्विवेदी, रामकिशोर यादव, मंगला प्रसाद केवट और छोटे लाल को पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बीजेपी का लक्ष्य पार्टी के सदस्यों की संख्या को 11 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने का है। बीजेपी सदस्यता अभियान के जरिए अपने सदस्यों की संख्या में 9 करोड़ का इजाफा करना चाहती है। भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए मोदी करीब 1 घंटे के संबोधन में अधिक समय तक बजट की खूबियों को गिनाते रहे। पीएम मोदी ने भाजपा के संगठन से जुड़े लोगों के साथ ही हजारों के समूह को संबोधित किया। ग्वालियर इलाके में शिवपुरी लिंक रोड के चिरवाई नाके पर एक बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलियां बरसानी शुरू कर दी और एक निजी कंपनी के कैश वैन गार्ड की हत्या कर 8 लाख रुपए नकदी एवं राइफल लूट कर फरार हो गए। इस वारदात में वैन चालक छर्रे लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है। पुलिस ने शहर की नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 3 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने एक निजी कंपनी के कैश वैन को रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसे प्राइवेट कंपनी भारत बेंज वैन के गार्ड रमेश तोमर की गोली लगने से मौत हो गई, जो कांच मील निवासी बताया जा रहा है। वहीं वैन चालक रंजीत को छर्रे लगे हैं, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ASP पंकज पांडे का कहना है कि इस वारदात में 8 लाख रुपए एवं राइफल लूटकर बदमाश ले गए हैं और गार्ड की गोली लगने से मौत हो गई है। वहीं रंजीत का कहना है कि वारदात के बाद वैन में सवार कंपनी के अधिकारी भाग निकले। 3 लोग आए मोटरसाइकिल से और उनका जो बैग है वो लूट करके ले गए। जो गार्ड और ड्राइवर है उसके ऊपर गोली चलाई, जिसमें कि दोनों को अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ ड्राइवर की मौत बताई डॉक्टर ने, दूसरे का इलाज चल रहा है। ये घटना हुई। कितना पैसा गार्ड की? गार्ड, हाँ, लगभग कितना पैसा? ड्राइवर की नहीं, गार्ड की मृत्यु हुई है गोली लगने से। ड्राइवर राइफल के इलाज चल रहा है। भूजल स्तर को बढ़ाने के साथ साथ शुद्ध पर्यावरण के लिए पौधे बहुत जरूरी है। मुरैना जिले में वर्षा काल में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शासकीय व अशासकीय 10 स्थानों का चयन किया गया है। पौधे की देखभाल के लिए संस्था प्रमुखों को दायित्व भी सौंपा गया है। SAF की 5वीं वाहिनी परिसर में चंबल संभाग युक्त रेणु तिवारी के मार्गदर्शन में पौधों का रोपण किया गया। इनमें पीपल, वड़, नीम सहित कई प्रजातियों के पौधे रोपे गए। बांध की परियोजना के अंतर्गत मुरैना जिले में हमने 10 स्थलों का चयन किया है, जिसमें ये वाहिनी बटालियन भी एक स्थल है। इसके अलावा आपके जो फायरिंग रेंज टेकरी है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है,
सेंट्रल स्कूल है, विक्टर कॉन्वेंट स्कूल है, कलेक्ट्रेट का परिसर है, ऐसे करके मुरैना ज़िले में हमने 10 स्थलों का चयन किया है और उस स्थलों का चयन किया जहां पे हम लगाने के बाद सुरक्षा का दायित्व संबंधित संस्था ही करेगी। ग्वालियर में एक महिला की दुख भरी कहानी सामने आई है। मामला अंतरी थाना क्षेत्र के का है, जहां दुष्कर्मी ने महिला को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद अब उसका पति और उसके परिवार के लोग उसे साथ रखने के लिए राजी नहीं है और कोर्ट से जमानत पर छूटे आरोपी उसे राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं एवं जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब वो जाए तो कहां जाए, फिर मजबूर होकर पीड़ित महिला ने एसपी से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात की है। देवरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत इमझिरिया में करंट लगने से एक बैल की मौत हो गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ मृत बैल का शव लेकर तहसील परिसर पहुंच गए और कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद देवरी तहसीलदार कुलदीप पारासर मौके पर पहुंचे और बिजली कंपनी के अफसरों को बुलाया। फिर बिजली कंपनी के जेई टेकराम ने 10 दिन में सभी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है। उनकी मुख्य समस्या ये थी कि कुछ बिजली खंभे गिर गए हैं और गांव में करंट से एक पशु की मृत्यु भी हुई है और बिजली विभाग के ठेकेदार के द्वारा काम गुणवत्तापूर्वक नहीं किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर वो लोग शिकायत करने आए थे। उनकी मांग पर बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर के साथ बैठकर उनकी चर्चा कराई गई और जो उनकी समस्याएँ थीं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई और बिजली विभाग के जो जूनियर इंजीनियर आए थे उनके द्वारा एक निश्चित समय सीमा में बिजली व्यवस्था में सुधार करने का आश्वासन दिया है। ग्वालियर शहर में महल गांव पुलिया के नजदीक ट्रेन के ट्रैक पर एक व्रत का शव मिला है, जो दो टुकड़ों में बटा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि व्रत ने आत्महत्या की होगी। वहीं ट्रेन चालक की सूचना पर स्टेशन से आरपीएफ के जवान मौके पर तत्काल पहुंच गए। इस मामले को यूनिवर्सिटी थाने में विवेचना के लिए दिया गया। फिलहाल व्रत की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सौसा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बोरगांव में एक साल से मोक्षधाम में बिना काम के पानी का टैंकर खड़ा है। सरपंच एवं सचिव को अब तक कोई ख्याल नहीं आया कि पानी का टैंकर कहाँ है। बताया जा रहा है कि टैंकर मोक्षधाम निर्माण के समय लगाया गया था, जिसे कमलनाथ के सांसद निधि से प्राप्त हुआ था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू कर शहर के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र पथरिया फाटक से लोगो जाने वाले मार्ग पर स्थित पथरिया फाटक रेलवे ओवरब्रिज के दोनों ओर बड़ी तादाद में अतिक्रमण हो जाने से बड़े वाहनों के आवागमन में परेशानी हो रही है, जिसको लेकर क्षेत्र के ही नागरिक प्रदीप राजपूत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका दायर करने के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने पथरिया फाटक रेलवे ओवरब्रिज को जोड़ने वाले दोनों मार्गों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने करीब 15 दिन पूर्व थोड़ा अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमण हटाने की मुहिम बंद कर दी थी, लेकिन दोबारा हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। दिन भर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एसडीएम तथा नगरपालिका सीएमओ सहित सीएसपी की एवं भारी पुलिस फोर्स की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दिन भर चलती रही। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में शवों के साथ अस्पताल प्रबंधन द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्वालियर के जयरोगी अस्पताल में शवों को लाने ले जाने के लिए सामाजिक संस्थाओं के द्वारा शव वाहिक दान में दी गई है, लेकिन जयरोग अस्पताल प्रबंधन परिजनों को ये सुविधाएं मुहैया नहीं करा रहा है और परिजन शवों को कोई शमशान तक मोटरसाइकिल से ले जा रहा है तो कोई लोडिंग में, तो अस्पताल अधीक्षक इस मामले में चुप्पी साधकर अपनी सफाई दे रहे हैं और जनता परेशान हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के बने रहिए 7i न्यूज़ के साथ। नमस्कार।